तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की गाड़ी जो आई है, तो अभी देखिए इसमें रेड लाइट जल रही है, बुझ रही है, इसका मतलब इसमें लोड कम हो गया है। तो अब यहाँ पे गाड़ी खाली हो रही है। देखिए यहाँ पे जो गाड़ी खाली हो रही है, अब जैसे ही ये गाड़ी खाली होगी, यहाँ ऑटोमेशन में लोड बढ़ता जाएगा। देखिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा डिप है, डिप बढ़ता जा रहा है 41.58। और यहाँ पे जो हमारा पेट्रोल डीजल वॉल्यूम लीटर है, तो यहाँ पे देखिए लीटर भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारी अभी रेड लाइट थी, वो जल रही बुझ रही थी, वो बंद हो चुकी है। देखिए इसका जलना बुझना बंद हो चुका है, रेड लाइट का, यानी लोड डलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी रेड लाइट जलना बंद हो गया है, क्योंकि ये कैपेसिटी से ऊपर जो लो प्रोडक्ट इंटरलॉक लगता है, तो वो प्रोडक्ट लो से ही ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए अभी लाइट बंद हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए 2542 लीटर हो चुका है, और टैंक को देखिए अब भरता जा रहा है। देखिए टैंक भरता जा रहा है, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ ये भरता जा रहा है। ऐसे ही डीजल डीजल भी भरता जा रहा है, डीजल बाद में भरेगा, अभी पेट्रोल भर रहा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3147 हो गया है, ये बढ़ता ही जा रहा है, 178, 91, 3205, 217, गाड़ी स्पीड में खाली हो रही है, तो ये वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है जो हमारा प्रोडक्ट है। और यहाँ पे टैंक भरता जाएगा, अभी ये फुल हो जाएगा, देखते रहिए आप। इसकी लाइट जलना तो बंद हो ही गया, आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि लाइट जब जलती है, जब हमारे पास प्रोडक्ट कम बचता है, तो पहले ही सिग्नल दे देता है ऑटोमेशन सिस्टम कि आपके पेट्रोल पंप पे लोड कम बचा है। इसलिए यहाँ पे देखिए रेड लाइट जलने लगती है, और यहाँ पे हमारा जो डिप है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा पेट्रोल डीजल वॉल्यूम लीटर में है, वो भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टैंक भी भरता जा रहा है, अभी ये फुल हो जाएगा। वीडियो पे बने रहें आप, ऐसे ही डीजल का टैंक भी भरेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा 70 डिप हो चुका है, और 4932 लीटर हो चुका है, 4950 हो गया, अब देखिए 65 हो गया, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और टैंक हमारा थोड़ी ही देर में आधा होने वाला है, जो कि इसका कैपेसिटी 15,000 लीटर होता है, तो कुछ समय बाद ये आधा हो जाएगा, इसके बाद फुल हो जाएगा ये, ऐसे ही डीजल भी होगा। तो अभी देखिए गाड़ी खाली हो रही है, देखिए ये भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है, जो कि गाड़ी खाली हो रही है इस पर अभी। और यहाँ पे टैंक लोड होता जा रहा है, 5237 हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें अभी 9741 लीटर पेट्रोल हो चुका है, और इसकी जो कैपेसिटी है 15,000 लीटर की है। अभी ये खाली होता जा रहा है, देखिए गाड़ी यहाँ पे खाली हो रही है, जैसे ही इसके अंदर पेट्रोल टैंक के अंदर खाली होता जाएगा, वही लीटर में इधर बताता जाएगा ऑटोमेशन सिस्टम। तो गाड़ी अभी खाली हो रही है, जैसे ही खाली होती जाएगी, जितना लीटर उसमें जाएगा उतना इसमें बताएगा हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में। तो देखिए 10034 लीटर हो चुका है, अभी काफ़ी समय लग रहा है खाली होने में, क्योंकि टैंक को फुल किया जा रहा है। 10116, 120। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा 10,000 लीटर हो चुका है, 10133, 135, और ये टैंक फुल होने वाला है, थोड़ा और रह गया है। तो अभी देखिए टैंक फुल हो चुका है, थोड़ा सा समय और, इसके बाद टैंक फुल हो जाएगा। डिप हमारा 123.90 हो गया है, और 10186 लीटर इसमें पेट्रोल हो चुका है अभी। अभी इसमें 4,000 लीटर और खाली होगा, 3,000 लीटर इसमें और खाली होगा, तो देखते रहिए फ्रेंड।